नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बार हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ जाता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है वो रीडिंग वो किसी और के लिए है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चैरियट, ये बंदा या बंदी करंटली ये सोच रहा है कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। ये खुद को स्पिरिचुअली ग्रो किया है बंदे बंदा या बंदी ने। ये रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को इन्होंने परखा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है बहुत अच्छी तरीके से और भगवान के भरोसे दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। कहीं आप लोगों की रिश्ते में कोई अनबन तो नहीं? अगर अनबन चल रहा है तो बंदा रिश्ते को दोबारा, बंदा या बंदी जो भी है, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है और ये रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को इन्होंने परखा है और अभी ये अपने तरफ से सोचने लगा है। साथ ही साथ स्पिरिचुअली खुद को बहुत अच्छे से ग्रो भी किया है। इनको पता है कि जो भी हालात हैं जो भी हुए हैं इसमें इनका भी कोई गलती है और साथ ही साथ पहले अगर ये इम्बैलेंस थे तो अभी ये अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से इन्होंने बैलेंस किया है। अभी हम देखेंगे चैरियट के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करेंगे कि चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और इन्होंने अपनी एनर्जी को भी बैलेंस किया है, खुद को भी स्पिरिचुअली ग्रो किया है। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बंदा या बंदी जो भी हैं ये मौका तो देना चाहते हैं रिश्ते को करंटली, लेकिन अपनी तरफ से ये अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये इमोशनली आपके साथ कितनी अटैच्ड है, लेकिन आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा उनको देख के। बंदा कितना भी खुद को कंट्रोल करे कुछ भी करे, लेकिन आपको उनको देख के पता चल ही जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड ये अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशन को हाइड करके आपको ये समझाना चाहते हैं कि उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते को मौका दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा उतावले हैं, खास करके इंटीमेट होने के लिए। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी हैं इन एंड आउट होता रहता है रिश्ते में, या फिर आप लोगों का रिश्ता ही ऐसा है कि रिश्ते में आप लोग इन एंड आउट होते रहते हो। कभी एक साथ हो गए, कभी फिर से अलग हो गए, कभी झगड़ा हो गया, क्योंकि जिसका भी एनर्जी आ रहा है बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है या फिर पहले था, लेकिन बंदा अभी आपके साथ क्लोज होने के लिए भी बहुत ज़्यादा उतावले हैं। देख लेते हैं और क्या आता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी किसी के साथ मिलके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फिनेंस को लेके बंदा या बंदी जो भी हैं थोड़ा चिंतित है, परेशान है। उनको लगता है कि फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए किसी की मदद चाहिए। वो मददगार आप भी हो सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पर्सन ही होगा,
ये आपकी मदद से भी अपनी फिनेंस को सही करने के बारे में करंटली सोच रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये रीडिंग होगी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की जो वक्त है, 23 से लेकर 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी खुद की क्या एनर्जी है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की एनर्जी को चेक करेंगे अभी हम। फोर ऑफ वंड्स, आप एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली, शादी, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये लग रहा है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम है, क्योंकि देखो ये 11-11 के कार्ड आए हैं, ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये। आपको लगता है कि ये जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा या सॉरी बंदी जो भी है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, जन्मों का रिश्ता है, और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, रिश्ते को सही करनी चाहिए। आप एक स्टेबल रिश्ते की उम्मीद कर रहे हो, साथ ही साथ इस रिश्ते को आप तहे दिल से चाह रहे हो, क्योंकि आपका रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए, आपको परिवार मिल जाए, बच्चे मिल जाए, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, घर, बंगले, गाड़ी, जैसे कि स्टेबिलिटी हर तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिले, ऐसा आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे ये फोर ऑफ वंड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फोर ऑफ वंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फोर ऑफ वंड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं फोर ऑफ वंड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये फोर ऑफ वंड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ वंड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, देख लेते हैं फोर ऑफ वंड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें क्या आता है। किंग ऑफ वंड्स, आप में बहुत ज़्यादा जोश है लिब्रा, अभी आप एक्शन लेने के मूड में हो, लेकिन अपने तरीके से, आप अपना डिग्निटी भी नहीं छोड़ना चाहते हो, क्योंकि किंग ऑफ वंड्स के कार्ड आए हैं, आप अपना डिग्निटी नहीं छोड़ना चाहते हो। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वंड्स के कार्ड और क्या क्या आता है। करंट एनर्जी में आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, यस द फूल के कार्ड, अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, जैसे कि आपने ये सोच लिया कि इस बार किसी की रोक टोक के बगैर आगे बढ़ना होगा और रिस्क लेना चाहते हो। अनजान सफर में जैसे इंसान निकल जाते हैं कि आगे क्या होगा, उसका कोई इल्म ना हो, आपको इसका कोई डर ना हो, आप उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल के एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाना चाहते हो। अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी थी तो आप उस चीज़ को भूलना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी बहुत परेशानी तो चल रहा है बढ़ना। चैरियट का कार्ड कभी नहीं आता, चैरियट मतलब रिश्ते को दोबारा मौका देना, तो आपके पर्सन तो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ से फोर ऑफ वंड्स के कार्ड आए हैं, तो आप भी रिश्ते को मौका देके एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हो और ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार कर रहे हो। हो सकता है आपने कहीं पैसा लगाया था, जॉब, बिजनेस या कहीं भी, तो वहाँ से कोई पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ जाए, और साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से आपके तरफ कोई गुड न्यूज़ आ जाए, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि तभी आप एक स्टेबल डिसीशन लेने में कामयाब रहोगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो बंदा चाहता है आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करना, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अपना इमोशन भी हाइड कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए आप थोड़ा खुद को इस तरीके से समझा रहे हो कि अगर उनके तरफ से वो पूरी तरीके से कोई क्लू मिल जाए तो आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, जो करना चाहते हो, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। वरना वैसे भी आप फूल के साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ इंतज़ार कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ताकि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग,
आप अभी हीलिंग के मूड में भी हो, आप चाहते हो कि आपका पूरी जो परेशानियां है वो हील हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, आप किसी भी तरीके से खुद को हील करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर किसी को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखेंगे आपकी पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा आप ही की रीडिंग में ही आप ही के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पहले आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता था या देती थी, लेकिन बंदा अभी रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता बैलेंस हो जाए, वो पहले से ही करंटली भी ये चाहते हैं। 29 तारीख तक की जो एनर्जी मैंने बताया उनमें भी उनका वही इच्छा रहेगा कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक वो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है पहले इन्होंने नहीं दिया, और साथ ही साथ ये हर चीज़ में, फिनेंस में भी और रिश्ते में भी, इक्वल गिव एंड टेक पाना भी चाहते हैं। जैसे कि आपने कुछ काम किया तो उसके जो हिस्से हैं दोनों में बटे, वो आपके तरफ से भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि फिनेंशियली स्टेबल होने के लिए बंदे को किसी की ज़रूरत है। खास करके ये हो सकता है आपकी ज़रूरत, आपकी मौजूदगी को एक क्या बोले, एक सॉलिड पिलर समझता है। तो ये उस तरीके से भी सोच रहा है कि उनको भी इक्वल गिव एंड टेक मिले, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्या आता है देख लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्या आता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स लिब्रा, आपको पता है भगवान राम का भी लिब्रा ही राशि था, राम जी का जो अभी मंदिर जो प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान राम की, राम लल्ला की भी राशि लिब्रा था, इसीलिए वो इतने शांत थे, मर्यादा को जानते थे और हर चीज़ को बैलेंस करके चलना उनको आता था। वैसे लिब्रा के लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना जानते हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छे होते हैं आप लोगों की, शांत स्वभाव के हो, जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाते हो, ये एक बुरी बात है। कोई भी कुछ बोल दिया आपने समझा कि आपसे प्यार करना है। देख लेते हैं और क्या आता है। जजमेंट देखो कार्ड आप खुद ही देख लो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड जजमेंट, फर्स्ट में वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए थे, चैरियट की कार्ड भी आए थे। अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग रीडिंग सुनते हो। आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दिन रात भगवान से दुआ मांग रहा है कि उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में कोई गड़बड़ी चल रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था, क्योंकि एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सब कुछ होते हुए भी इमोशन ना होने के कारण कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन किया था, वो आप भी हो सकते हो या आपकी पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। इसीलिए बंदा पहले अगर सही तरीके से रिश्ते को नहीं चला पाया, आपको नहीं समझ पाया, तो बंदा अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये बहुत इम्बैलेंस का कार्ड है, इम्बैलेंसिंग का कार्ड है, रेस्टलेसनेस का कार्ड है, लेकिन बंदा अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये शांति से, बैलेंस से हर काम हो जाए, रिश्ता दोबारा से सही हो जाए, आपके साथ उनका रिश्ता सही हो जाए, इसके लिए अपने आप को शांत रख रहे हैं और हमेशा यूनिवर्स से यही प्रेयर कर रहा है। देखो ये जो कार्ड होता है ना, जजमेंट का कार्ड, ये मतलब कोई चीज़ पूरी तरीके से जब ख़त्म हो जाता है, फिर से शुरू हो जाए, मतलब एकदम ख़त्म, कब्र में चले गए, इस तरीके का किसी का रिश्ता है, उसी का एनर्जी इसमें आ रहा है। तो ये बंदा उस रिश्ते को दोबारा से जिंदा करने के लिए यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है,
खुद की पेशेंस को बैलेंस कर रहा है, अपना पेशेंस। अगर पहले बंदा इन पेशेंस था, बंदा या बंदी जो भी है, जेंडर पे मत जाइएगा, पहले ये रेस्टलेस था, लेकिन अभी ये इसी किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस रहना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स से इस रिश्ते के लिए प्रेयर भी कर रहा है बंदा। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो? लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो? लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो? देखेंगे अभी कि लिब्रा खुद क्या चाहते हैं। देख लेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो? सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा कहीं आपके मन में तो कोई परेशानी, दुविधा, डर तो नहीं है ना? कहीं आपको ये लग रहा है कि आपका कोई छुपा हुआ राज बाहर आ जाएगा, आप कुछ छुपाना चाहते हो, या फिर आपका पर्सन कुछ छुपा रहा है, आप उस छुपे हुए बातों को बाहर निकालना चाहते हो, या फिर वो चाहते हैं कि आपका कोई छुपा हुआ राज बाहर आ जाए, तो इस वजह से आप डर रहे हो। अभी सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड इसी वजह से आया है कि आप किसी चीज़ को हो सकता है छुपाना चाहते हो, या फिर कुछ छुपा हुआ चीज़ें हैं जो आप बाहर लाना चाहते हो। अभी हम सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, आप इतनी डर क्यों रहे हो लिब्रा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कोई राज खुल जाएगा, देख लेते हैं, या फिर आपके पर्सन के, क्योंकि एनर्जी वाइज वैसा होते रहते हैं। कार्ड आप ही की तरफ से आया है तो मैं पढ़ूंगी भी आप ही की तरफ से, लेकिन आपको पता है कि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप क्लैरिफाई करें। डेथ के कार्ड, एक डर है, मृत्यु जैसी जातनाएं जिसे बोलते हैं, डेथ के कार्ड जब आते हैं हमें उस तरीके का कोई इतना दिल दहलाने वाला जो परेशानी दर्द था, उस दर्द को खत्म करना। देख लेते हैं डेथ के कार्ड की, फिर हम इसको हॉमेट, ये रिश्ता तो कोई नया रिश्ता है नहीं, जिसका भी एनर्जी आ रहा है भाई, ये बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग ओल्ड सोल हो, मतलब जन्मों का रिश्ता है। कहीं आप कर्मों को बैलेंस करने के लिए, हो सकता दोबारा से आप लोग आए हो इस दुनिया में। डेथ के कार्ड, हॉमेट के कार्ड मैं बता रही हूँ आपको, मैजिशियन के कार्ड। देखो आप चाहते हो कि कुछ छुपा हुआ जो बातें हैं वो बाहर ना निकले, क्योंकि हो सकता है पहले आपने बहुत दर्द, बहुत परेशानी देखी होगी, क्योंकि डेथ के कार्ड आए हैं। हो सकता है कुछ बात पहले बाहर आया था, कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था जिससे आप परेशान थे, दुखी थे, जिससे आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आई, तो आप चाहते हो उस तरीके का कोई भी परेशानी दोबारा से ना आए, इसीलिए आप सोच समझ के कदम उठाना चाहते हो, आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो जो आपको लाइफ में परेशानी देता था या फिर दे रहा है, उस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हो। डेथ का मतलब होता है कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाना और ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक नए चीज़ों की शुरुआत होना, तो आप नया चीज़ तो शुरू करना चाहते हो। देखो साथ ही साथ मैजिशियन के कार्ड भी आए हैं, आपको पता है आपके पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, आपको कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए आप थोड़ा ठहरना चाहते हो, सोचना चाहते हो, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हो। हालांकि अगर मैं ये कहूँगी कि लिब्रा आप बहुत हल्के में ले लेते हो खुद को, और आप बहुत जल्दी हर चीज़ को मान लेते हो, इस तरीके से करना नहीं है, क्योंकि लोग आपकी जो इनोसेंटनेस है उसको समझेंगे नहीं, आपका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने आप को, एक स्नेल को देखा होगा आपने कि वो अपने आप को एक उसके जो बॉडी है वो बहुत कठिन होता है, उसमें अंदर में रखता है, और वो क्या होता है जब उनको लगता है, वो बाहर भी निकलते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि कोई उनको टच करेगा, हम पहुंचाएगा, तब वो खुद को उसमें डाल लेता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपको इस तरीके से रहना है, खुद को ना हल्के में लीजिए, ना खुद को, अपने आप को आप कम समझिए। अगर वो मैनिपुलेटर है तो आप में भी वो पावर है कि आप खुद को खड़ा कर सकते हो, आप अपने आप में काफ़ी हो, आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो, आप में
एम्पावरमेंट है, आप स्टेबल हो, तो आपको उस बात से डरना नहीं है कि सामने वाला आपको क्या डराएगा, क्या धमकाएगा। इसीलिए एक तरफ तो आप मैजिशियन के तरह सोच रहे हो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी ही पल में आपको ये परेशानी हो रहा है कि क्या सब कुछ सही होगा, क्योंकि हाउमेट के कार्ड आए हैं। अभी आप रुकना चाहते हो, सोचना चाहते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, फिर आप कदम उठाना चाहते हो। लेकिन आपकी जो परेशानी थी, देखो डेथ के कार्ड, ये ख़त्म हो गए परेशानी, अभी आप बहुत ज़्यादा समझदार बन गए हो। हाउमेट के कार्ड आए हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमती, जो भी है, जो भी जेंडर के आप हो, जो भी सुन रहे हो, अभी आप पहले जैसे हो नहीं, अभी आप समझदार बन गए हो। आप अपनी समझदारी से काम ले सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप पर भगवान की भी ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स है, मैजिशियन के कार्ड है, मतलब आपके हाथ में वो पावर है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और आप जो भी करोगे उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स होगी, अल्लाह की ब्लेसिंग्स होगी, जो भी जिस भी रिलीजन से आप आपका वास्ता है, आप बिलोंग करते हो, उस भगवान पर, उस अल्लाह पर, गॉड पर भरोसा रखो, वो हमेशा आपके साथ है। देखो ये इन्फिनिटी का साइन है, ये आपके सर पे हैं उनका हाथ, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हो वो होगा, लेकिन आप अपने अंदर से डर को निकालें, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। जब भी मैं लिब्रा की रीडिंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे खुद के ना सन साइन लिब्रा है, ना मून साइन लिब्रा है, कुछ भी लिब्रा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लिब्रा के लिए बोलना और किस तरीके से चैनलिंग हो जाता है मेरे अंदर, मुझे पता भी नहीं चलता है। देख लेते हैं रिश्ते के आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रिश्ते के आउटकम बताइए, रिश्ते के आउटकम बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, रिश्ते के आउटकम बताइए। जजमेंट, रिश्ते के आउटकम, एम्परर, देख लेते हैं एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। आप किसी एरिस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देखो मैजिशियन के कार्ड आउटकम में भी आया है, मतलब दोनों ही माइंड गेम खेल रहे हो, आप दोनों ही मैनिपुलेटर हो, एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हो, वो आपको कर रहा है या आप उनको कर रहे हो। दो दो बार मैजिशियन के कार्ड, एक बार आउटकम में आया है, एक बार लिब्रा आपके तरफ से आया है, तो कोई एक तो है जो इसमें माइंड गेम खेल रहा है, कोई एक है जो मैनिपुलेट हो रहा है और कोई एक है जो मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ही एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हो। देख लेते हैं मैजिशियन, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, लिब्रा एक बार आपकी तरफ से, एक बार आउटकम में। कहीं लिब्रा आप या आपके पर्सन अपने अपने स्टेबिलिटी, अपने अपने एनर्जी, अपने रुआब में तो नहीं है, कोई एक है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगा है कि उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है या फिर होगा जो वो चाहते हैं, ना किसी की सुनना, ना किसी की तरफ देखना, ना किसी को समझना, ऐसी स्थिति में है। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, इस रिश्ते का आउटकम द एम्परर के कार्ड, आप लोगों को कुछ एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। इस रिश्ते का आउटकम यही है कि रिश्ते में एक हर्ष डिसीजन लिया जाएगा, जो हो सकता है अभी के लिए आपको ये बुरी लगे या फिर तकलीफ हो, लेकिन इन फ्यूचर में ये परिणाम आपको खुशी दे सकता है। एम्परर का कार्ड आया है, अगर आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने घर के भरोसे, अपने गुरु से, कि
आप मदद ले सकते हो, सलाह ले सकते हो, और जो आपको अभी के लिए सही नहीं लग रहा है, हो सकता है बाद में जाके यही चीज़ आपको लगे कि हाँ, तब मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन मेरे लिए सही निकला है। लेकिन अभी के लिए आपको एक हर्ष एक कठिन डिसीजन लेना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इस रिश्ते की आउटकम में एक कंफ्यूजन का कार्ड आया है। पूरे होल डेक में एक ही नेगेटिव कार्ड आया है अभी तक की, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहना है, विचलित नहीं होना है, दोनों में से कोई है, क्योंकि ये म्यूचुअल आउटकम है। कंफ्यूज है क्या करे, करे या ना करे, इस रिश्ते में आए या ना आए, इस डिसीजन को ले या ना ले। सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक सटीक डिसीजन लेना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी बड़ों की मदद ले सकते हो, गुरु की मदद ले सकते हो, आप अपने गुरु से पूछ सकते हो, जो आपको सही लगे आप उनकी मदद ले सकते हो। अगर आपको खुद की समझ में सब कुछ आ जाएगा तो आप अपनी समझ से भी डिसीजन ले सकते हो। हो सकता है आपको अभी इस डिसीजन के बारे में पता ना हो, तकलीफ हो रहा है, लेकिन बाद में ये आपके लिए सही साबित होगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। दो दो बार मैजिशियन के कार्ड आए हैं, इसका मतलब माइंड गेम मैनिपुलेशन तो चल रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही माइंड गेम खेल रहे हो, या फिर कोई एक है जो माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कितना भी माइंड गेम खेले, कितना भी मैनिपुलेशन करे, बंदा एकदम हमेशा भगवान से प्रेयर कर रहा है। अगर आपके पर्सन ये कर रहा है और आप भी कर रहे हो, लेकिन आप थोड़े डरे हुए हो, सहमे हुए हो, ठहरे हुए हो, आप डिसीजन तो लेना चाहते हो लेकिन आप डर रहे हो। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एस ऑफ कप्स क्या कहने हैं, एस ऑफ कप्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स और क्या आता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सोर्स की एनर्जी। एयर साइन वालों के लिए तो बहुत, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि नंबर वन आपको दुखी नहीं रहना है। क्या होगा, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्या बची थी इस दुनिया में, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इस तरीके का सोच अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। रात की नींद खराब कर रहे हो मुझे लग रहा है आप लिब्रा आप लोग, क्योंकि आप पूरे दिन तो काम धाम कर लेते हो, ये वो वैसा वैसा, लेकिन रात को आपकी नींद खराब हो जाता है ये सोच सोच के। नंबर वन ये नहीं करना। नंबर टू, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप हमेशा दिल से सोचने वाले बंदे हो, लेकिन अभी आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने हित के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा आके आपके कुछ भी बोल दे और आप उसी साथ चल दे, नहीं, हमेशा अपनी बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जो लोग होते हैं वो ऐरे गहरे को अपने आसपास ठहरने भी नहीं देते हैं। बहुत परेशानी के बाद, बहुत झंझट के बाद जब कोई इंसान खुद को खड़ा करता है, अपने आप को स्टेबल बनाता है, अपनी औकात से, अपनी हिम्मत से, अपनी पॉसिबिलिटी से, योग्यता बोलते हैं जिसको, उससे जब कोई खड़ा होता है तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनते हैं। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की परेशानी अपने लाइफ में मत रखिए। जो आपके काम के नहीं है उसको अलग कीजिए अपने आप से। नंबर थ्री, एस ऑफ कप्स, अपने इमोशन को कंट्रोल करें, ओवरफ्लो ना होने दें। आप कितना भी इमोशन हो जाए, लेकिन आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने वालों को कभी ये नहीं दिखाना है, बताना है कि आप भी इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये 11-11 का कार्ड है, मतलब आप बार बार ये समझ रहे हो कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये सोल का रिश्ता है। इसके चलते अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, देखो इस काप से ये पानी गिर रहा है, मतलब ओवर इमोशनल अगर आप हो जाते हो तो परेशानी आप ही को होगी। अपनी इमोशन को कंट्रोल करें।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।